हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन यानी जो हीट रेडिएशन रहते हैं उनका एमिशन तो जो बॉडी हीट रेडिएट करती है हीट एमिट करती है तो उनके बारे में प्रियोस ने एक थेरी दी थी इट इज कॉल्ड एज प्रियोस थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज तो क्या कहा था प्रियोस ने मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे उसका स्टेटमेंट तो यहां पे लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू प्रिवोस्ट थेरी ऑफ हीट एक्सचेंज यानी दो बॉडीज के बीच में आपस में जो हीट एक्सचेंज होगा वो कैसे होगा तो क्या कहा था उन्होंने उनका एक स्टेटमेंट है यहां पे जो लिख रहा हूं मैं कि एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट क्या कहा है उन्होंने कि एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट एट ऑल टेम्परेचर्स एट ऑल टेम्परेचर्स यानी एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट एट ऑल टेम्परेचर कोई भी बॉडी रहे वो बॉडी क्या कर रही है हर टेम्परेचर पे हीट एमिट कर रही है हीट रेडिएट कर रही है एक्सेप्ट बट एक एक्सेप्शनल है कौन से टेम्परेचर पे एक्सेप्ट एट एप्सोल्यूट ये एप्सोल्यूट जीरो मतलब क्या एट एप्सोल्यूट जीरो केल्विन तो यहां पे लिख रहा हूं जीरो केल्विन यानी कौन से टेम्परेचर पे वो बॉडी हीट रेडिएट नहीं करेगी तो वो बॉडी जीरो केल्विन पे हीट रेडिएट नहीं करेगी और उसके ऊपर जितना भी टेम्परेचर है वो ऑल टेम्परेचर्स पे हीट रेडिएट करेगी चाहे वो बॉडी स्मॉल रहे उसका एरिया कम रहे एरिया ज़्यादा रहे वो बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर कुछ भी रहे बट किससे नीचे नहीं जाना चाहिए उस बॉडी का टेम्परेचर इसे जीरो केलविन से नीचे नहीं जाना चाहिए यानी आपने यहाँ पे मान के चलिए दो बॉडीज़ रखी है मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ मान के चलिए दिस इज़ बॉडी वन दिस इज बॉडी टू सो so,

और इस सरफेस इस बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है आप क्यूबिकल शेप बॉडीज भी ले सकते हैं दोनों क्यूब भी इन्हीं के जगह पे आप यहाँ पे एक ऐसी बॉडी पकड़ सकते हैं ये क्यूबिकल शेप है स्मॉल और यहाँ पे फिर से एक बड़ा क्यूब आप बना सकते हो यहाँ पे ठीक है तो क्या हुआ इस बॉडी का सरफेस एरिया कम हो गया इस बॉडी का सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ बट फिर भी इसका टेम्परेचर हमने टी वन रखा है इसका टेम्परेचर टी टू और दोनों का टेम्परेचर कैसा है ग्रेटर देन जीरो के लिए सो क्या होगा ये बॉडी भी हीट रेडिएट करेगी दिस बॉडी विल आल्सो रेडिएट द हीट सिमिलरली दिस स्मॉल क्यूब विल आल्सो रेडिएट हीट एंड दिस लार्ज क्यूब विल आल्सो रेडिएट हीट सो एवरी बॉडी इज रेडिएट हीट एट ऑल द टेम्परेचर एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर यानी अगर इनका टेम्परेचर हमने जीरो केल्विन रखा तो उस टेम्परेचर पे ये बॉडी हीट रेडिएट नहीं करेंगी या उसके अगर नीचे चले जाता है टेम्परेचर तो पता ही नहीं उसके नीचे रहता है कि नहीं उसके नीचे अगर टेम्परेचर चला जाता है तो वहाँ पे भी तो रेडिएट नहीं करेगी बट जैसे ही इनका टेम्परेचर जीरो केलविन के ऊपर हो जाए तो दिस बॉडी स्टार्ट इमिटिंग हीट और हीट रेडिएशंस ओके तो ये जो हीट रेडिएट कर रहे हैं ये जो दिखा रहे हैं बाहर के डायरेक्शन में तो ये क्या है दिस इज द हीट रेडिएटेड अब इसको ही हमने क्यों कहा है दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी तो ये जो हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी है तो ये हीट रेडिएटेड इट इज डायरेक्टली लिंक विद द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यानी बॉडी का टेम्परेचर कितना है उस वक्त तो उस वक्त का अगर जो टेम्परेचर है उसको कहा जाएगा एप्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी ओके सो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यानी उस वक्त उस बॉडी का टेम्परेचर कितना है जितना इस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा उतना वो ही वो ज़्यादा हीट रेडिएट करेगी बराबर यानी इसका टेम्परेचर अगर मान के चलिए कि हंड्रेड केलविन है तो वो हंड्रेड केलविन के हिसाब से हीट रेडिएट करेगी और यही बॉडी कर ली हमने और उसका टेम्परेचर अगर आप थाउजेंड केलविन रखते हो थाउजेंड केलविन पे मेंटेन करके रखेंगे आप इस बॉडी को तो ये बॉडी उसके हिसाब से हीट रेडिएट करेगी अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी और फैक्टर क्या है कि इस बॉडी का सरफेस एरिया कम है इस बॉडी का सरफेस एरिया ज्यादा है मान के चलिए दोनों का मटेरियल सेम है दोनों बॉडीज का मटेरियल सेम है बट इसका सरफेस एरिया कम है स्पेरिकल बॉडी ये भी स्पेरिकल बॉडी इसका सर्फेस एरिया कम है इसका सर्फेस एरिया ज्यादा है तो जो बॉडी का सर्फेस एरिया ज्यादा है वो बॉडी ज्यादा हीट रेडिएट करेगी ऑटोमेटिकली बराबर मोर द एरिया सर्फेस एरिया ऑफ द बॉडी मोर द हीट विल बी रेडिएटेड अब इस बॉडी को आपने ज्यादा समय तक के लिए हीट रेडिएट करने के लिए छोड़ा तो ये बॉडी और ज्यादा हीट रेडिएट करेगी यानी दैट अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बॉडी हीट कितना एमिट करेगी कितना हीट uh, रेडिएट करेगी ये डिपेंड करेगा कि उस वक्त उस बॉडी का एप्सोलूट टेम्परेचर कितना है उस बॉडी का सरफेस एरिया कितना है यह बॉडी कितने समय तक के लिए हीट रेडिएट कर रही है ठीक है तो प्रियोस ने क्या कहा है कि एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट एट ऑल द टेम्परेचर्स एक्सेप्ट एट एप्सोलिट जीरो मतलब एप्सोलिट जीरो पे हीट रेडिएट नहीं करेगी उसके ऊपर अगर टेम्परेचर है एप्सोलिट जीरो केल्विन एप्सोलिट जीरो का मतलब होगा जीरो केल्विन याद रखना इस बात को हमेशा के लिए तो एप्सोलिट जीरो यानी जीरो केल्विन के ऊपर अगर बॉडी का टेम्परेचर है तो वो कोई भी बॉडी रहे वो हीट रेडिएट करेगी ठीक है तो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड और रेडिएंट हीट इमिटेड बाय द बॉडी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी रेडियंट so, हीट अब इसको रेडियंट हीट यानी क्या कहेंगे क्यू कहेंगे तो रेडियंट हीट क्यू इमिटेड बाय ए बॉडी इमिटेड बाय ए बॉडी वो बॉडी चाहे कोई भी है बॉडी रहे या परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहे कोई भी बॉडी रहे सो अमाउंट ऑफ रेडियंट हीट इमिटेड बाय ए बॉडी डिपेंड्स ऑन अब कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड है तो पहला अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट एमिटेड बाय ए बॉडी डिपेंड्स ऑन पहला पहला डिपेंड अभी जो डिस्कस किए हुई इट डिपेंड्स ऑन एप्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी बॉडी का उस वक्त टेम्परेचर कितना है यानी जिस वक्त वो हीट रेडिएट करने जा रही है तो उस वक्त उसका टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो बॉडी कितना हीट रेडिएट करेगी कितना हीट एमिट करेगी इट डिपेंड्स ऑन पहला हो गया टेम्परेचर ऑफ़ द बॉडी इट डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ द बॉडी सरफेस एरिया बॉडी का सरफेस एरिया कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड कितने समय के लिए आपने उसको हीट इमिट करने के लिए छोड़ा है जितनी देर तक के आप बल्ब को शुरू रखेंगे उतना समय तक के वो हीट रेडिएट करेगा यानी इट डिपेंड्स ऑन टाइम बराबर सो so, पहला हो गया पॉइंट अपना एप्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी दूसरा हो गया एरिया ऑफ द बॉडी तीसरा है टाइम फॉर विच बॉडी इज इमिटिंग हीट कितना समय तक के लिए वो बॉडी हीट इमिट कर रही है फिर और एक पॉइंट है चौथा पॉइंट देखिए हमने अब दो बॉडीज पकड़े थे यहां पर और दोनों सेम मटेरियल बोला था अब अगर मैंने मटेरियल चेंज कर दिया तो इसी को इसी को फोकस कीजिए आप एक ही रही है अब इतने एरिया के सेम एरिया के हमने दो स्पेरिकल बॉडीज पकड़े हैं बट दोनों का मटेरियल अगर चेंज कर दिया तो एक कॉपर का स्पीयर लिया कॉपर और दूसरा लिया सिल्वर पहला कॉपर का स्पीयर है और दूसरा है सिल्वर का स्पीयर एरिया दोनों का सेम है सरफेस एरिया दोनों का सेम है बोथ द बॉडीज आर मेंटेन एट द सेम टेम्परेचर दोनों का टेम्परेचर भी सेम है तो दोनों बॉडीज सेम ही अमाउंट ऑफ हीट रेडिएट करेगी क्या नहीं करेगी क्योंकि दोनों का मटेरियल क्या है अलग है सो रेडिएंट हीट और अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड बाय द बॉडी इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉडी यानी उस बॉडी का मटेरियल कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगी फिर और एक बात आती है ठीक है मटेरियल अलग अलग हो गया तो अमाउंट ऑफ हिट रेडिएट होगी बट अब हम क्या करेंगे ये जो स्पीयर लिए ऐसे दो स्पीयर लेंगे और दोनों कॉपर के लेंगे दोनों कॉपर के अब मटेरियल भी सेम कर दिया सेम स्पियर एरिया भी सेम है टे सेम टेम्परेचर बट क्या किया ये जो आउटर सरफेस है एक स्पीयर का आउटर सरफेस हमने रफ रफ रखा और एक जो सरफेस है आउटर सरफेस उसको पॉलिश किया स्मूथ बनाया तो क्या होगा रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस उतना हीट रेडिएट करेगी क्या नहीं एंड इट डिपेंड्स ऑन इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी वेदर इट इज पॉलिश और नॉट अगर आप मंदिर में अगर गए होंगे उधर जहाँ तक कि मुझे लगता है शेगांव में तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो प्रदक्षिणा के लिए बाहर लोग घूमते हैं बाहर से ऐसे तो ड्यूरिंग द समर सीज़न टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है तो उन्होंने क्या किया है एक लाइन से ऐसे एक पेंट का कोटिंग किया है ऐसे अगर आप उसी पाथ से चलेंगे तो उस पेंट पे आपको कम हॉटनेस लगता है यानी आपको ड्यूरिंग फुल समर सीजन भी आप अगर वहाँ से चलेंगे तो आपको यानी उतना टेम्परेचर फील नहीं होता बट वही अगर आपके साइड से अगर आप जाओगे साइड फ्लोरिंग पे अगर जाओगे नॉर्मल फ्लोरिंग पे तो आप चल नहीं पाओगे उतने टेम्परेचर में बट वही एक पेंट का कोटिंग किया है उसके ऊपर से अगर आप चलोगे तो यू विल नॉट फील दैट मच अमाउंट ऑफ हीट तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे क्या किया गया है पॉलिश किया गया है अब दोनों का सेम फ्लोरिंग तो सब जगह पे सेम ही रहता है बट कुछ जगह पे उन्होंने क्या किया है पेंट लगाया है मतलब पॉलिश किया है तो उस सरफेस को अगर आपने पॉलिश किया तो वहाँ पे वो सरफेस क्या कर रहा है हीट कम रेडिएट कर रहा है इसलिए आपको वो हीट फील नहीं हो रहा है सो नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी वेदर इट इज़ पॉलिश और नॉट सो जो कोई भी बॉडी रहे जो बॉडी हीट एमिट कर रही है रेडिएट कर रही है है ना सन हीट एमिट कर रहा है बाकी की भी बॉडीज़ है जो मेटल है उसको फर्नेस में रखेंगे और फर्नेस से अगर मेटल को बाहर रखेंगे तो वो भी हीट कंटिन्यूसली एमिट करता है बल्ब हीट एमिट करता है तो एवरी बॉडी रेडिएट्स हीट एट ऑल द टेम्परेचर एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो मतलब उस बॉडी को अगर आपने जीरो किलविन के नीचे अगर रखा है या उतने केलविन पे अगर जीरो केलविन पर रखा तो वो बॉडी कोई भी बॉडी हीट रेडिएट नहीं करेगी बट अगर आपने बॉडी को जीरो केलविन के ऊपर रखा तो हर बॉडीज हीट क्या करती है रेडिएट करती है अमाउंट ऑफ रेडिएशन वो एमिट करती है तो वो जो रेडिएंट हीट है या हीट इमिटेड है वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है तो हमने ये पांच फैक्टर लिख दिए हैं ठीक है थीके? अब इसके बाद देखेंगे हम कि जो रेडिएंट हीट इमिटेड है बराबर वो हीट इमीडिएट कौन से कौन से फैक्टर के ऊपर डायरेक्टली रिलेटेड है ये सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा ये भी कॉपर है और मान के चलिए कि ये भी कॉपर है दोनों कॉपर के मेटल है और दोनों कॉपर के स्पीयर है अब ये स्पीयर बड़ा है इसका सर्फेस एरिया ज़्यादा है और इसका सर्फेस एरिया कम है अब मान के चलिए कि आपने दोनों का टेम्परेचर सेम मेंटेन रख दिया इधर भी टेम्परेचर टी है और इसका भी टेम्परेचर आपने टी रखा अब दोनों का टेम्परेचर सेम है दोनों का टेम्परेचर सेम है बट सरफेस एरिया इसका क्या है ये लार्जेस्ट स्पीयर है ये ज्यादा है तो इसलिए ये हीट क्या करेगा ज्यादा एमिट करेगा मतलब अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट अमाउंट ऑफ रेडिएंट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द व्हाट एरिया ऑफ द बॉडी जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा उतना ही हीट वो ज्यादा एमिट करेगा बराबर सिमिलरली अब यही स्पियर को आपने अगर ज्यादा समय के लिए रखा तो दोनों सेम साइज के स्पीयर ले और एक स्पीयर को आपने ज्यादा समय तक के हीट रेडिएट करने के लिए छोड़ दिया यानी दो बल्ब है है ना दो फोर्टी वैट के दो बल्ब है और एक बल्ब को आपने आधा घंटा तक के एक रूम में रखा है चालू और दूसरे बल्ब को सिर्फ पंद्रह मिनट चालू रखा है तो जो वैट इज तो सेम था तो दोनों में से जो बल्ब को आपने ज़्यादा समय के लिए शुरू रखा है वो बल्ब ज़्यादा हीट एमिट करेगा मतलब अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम सो हीट का जो रिलेशन है रेडिएट हीट जो एमिट है उसका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साथ किसके साथ है एरिया के साथ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ है टाइम के साथ है इसीलिए उन्होंने ये अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड एरिया और टाइम इनका एक रिलेशन बनाया है और उसी को कहा जाता है पावर ऑफ ए बॉडी उसको कहते हैं एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी तो उसका मैं ये मिटा देता हूं और उसका डेफिनेशन अब मैं यहां पर लिख देता हूं तो यहां पे लिख रहे हैं पावर ऑफ़ बॉडी और जो एमिसिव पावर रहेगा उसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई e से ओके okay? कोई भी बॉडी है वो बॉडी कितना हीट रेडिएट कर रही है तो उसका एक पावर है दैट पावर इज गिवन एज एमिस पावर ऑफ ए बॉडी एंड इट इज डिनोटेड बाय ई तो उसका डेफिनेशन है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एमिसिव पावर क्या डेफिनेशन है इट इज अमाउंट ऑफ रेडिएट हीट Amount of radiant heat emitted by a body. Amount of radiant heat emitted by a body per unit area per unit area per unit. टाइम इट इज द अमाउंट ऑफ रेडियंट हीट यानी क्यू इमिटेड बाय ए बॉडी पर यूनिट एरिया यानी कैपिटल ए पर यूनिट टाइम यानी स्मॉल टी एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज उसी को ही कहा जाता है इट इज कॉल्ड एस एमिस्यू पावर ऑफ ए बॉडी Is called as emissive power of a body at that temperature. It is the amount of radiant heat emitted by a body per unit area per unit time at a given temperature, that is the emissive power of a body at that temperature. सो पावर ई इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ रेडियंट हीट एमिटेड बाय ए बॉडी हो गया अमाउंट ऑफ रेडियंट हीट एमिटेड बाय ए बॉडी मतलब क्यू पर यूनिट एरिया और पर पर यूनिट टाइम मतलब पर यूनिट टाइम सो ई इक्वल टू ई यानी क्या हो गया एम पावर ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर उस वक्त उस बॉडी का टेम्परेचर जिस वक्त है उस वक्त का उसका पावर अगर उस बॉडी का टेम्परेचर आपने बदल दिया अलग हो गया तो उस वक्त उसका एमसीू पावर भी अलग होगा सो एमिशिव पावर ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर इज़ द अमाउंट ऑफ रेडियंट हीट एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट दैट टेम्परेचर तो ये डेफिनेशन भी हो गया और उसका फॉर्मूला भी हो गया एम पावर का फिर उसका ऐसा यूनिट क्या आएगा तो ऐसा यूनिट हम देख लेते हैं तो ऐसा यूनिट क्या आएगा ई e का ई e का मतलब एमिशिव पावर का तो क्यू इज किस में आएगा ये जूल्स में आएगा एरिया इज इन मीटर और टाइम किस में आएगा तो सेकेंड में आएगा ठीक है अब अपने को पता है कि जूल पर सेकेंड क्या होता है जूल पर सेकेंड वैट होता है सो so, दिस यूनिट को आप ऐसे लिख सकते वैट पर एरिया का यूनिट एरिया का यूनिट मतलब मीटर स्क्वायर सो so, वैट पर मीटर स्क्वायर फिर इसके डायमेंशंस भी आप निकाल सकते हैं तो ये निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है वैसे फिर भी निकाल के दे देता हूँ यहाँ पे ई सिंपल डायमेंशन हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे है ना डायमेंशन इसी फॉर्मूले से निकालते हैं। क्यू क्या है? Heat है। हीट के डायमेंशन और एनर्जी के डायमेंशन सेम है यानी एम वन एल टू टी माइनस टू वन टू माइनस टू ऐसे दिमाग में रखना ये जो हिट uh, के डायमेंशन है, है ना हीट हीट एनर्जी चाहे कोई भी एनर्जी रहे पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल वट एनर्जी कोई भी एनर्जी है हीट एनर्जी और टॉर्क हीट एनर्जी और टॉर्क वर्क हीट एनर्जी टॉर्क वर्क इन सबके डायमेंशन सेम है और उनको दिमाग में कैसे रखना है वन टू माइनस टू यानी एम एल टी के फॉर्म में ठीक है वन टू माइनस टू और फोर्स का डायमेंशन क्या रहेगा वन वन माइनस टू एम वन एल वन टी माइनस टू बस अगर ये डायमेंशन अपने दिमाग में रख दिए तो आप कोई भी क्वांटिटी लीजिए फिजिकल क्वांटिटी उसके डायमेंशन आप इजीली निकाल सकते हैं तो हीट के डायमेंशन हमें पता है थे वो लिख दिए फिर एरिया के डायमेंशन क्या ने क्या हो गए एल टू और टाइम यानी क्या है सेकेंड तो साइड सेकेंड मतलब टी पावर वन अब इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए क्या आएगा ये ये देखिए एम तो एक ही है एम वन फिर देखो ए एल टू एल टू कैंसिल हो गया यानी एल के पावर कुछ भी नहीं बचा जीरो फिर टी पावर माइनस टू डिवीजन का मतलब माइनस माइनस टू माइनस वन तो कितना हो गया माइनस थ्री सो देो टी पावर माइनस थ्री सो द डायमेंशन ऑफ एम ए सी पावर आर एम वन एल जीरो टी पावर माइनस थ्री तो दिस इज द एमिश्यू पावर ऑफ एनी बॉडी चाहे वो बॉडी कोई भी रहे ऑर्डनरी बॉडी रहे या बैक बॉडी रहे फिर ये एमिस्यू पावर जो है फिर से कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा तो ये सेम जो अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड जो उस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी उसी फैक्टर के ऊपर ये एमिस्यू पावर भी डिपेंड करेगा तो एमसीू पावर इज आल्सो डिपेंड्स ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द बॉडी यानी बॉडी का उस वक्त टेम्परेचर कितना है उसके ऊपर वो कितना हीट रेडिएट कर सकती है कितना हीट एमिट कर सकती है वो डिपेंड करेगा फिर उस बॉडी का एरिया कितना है उसके ऊपर आएगा फिर कितने समय के लिए आपने उस बॉडी को रखा है एमिट करने के लिए हीट उसके ऊपर रहेगा फिर ये बॉडी का नेचर कैसा रहेगा मटेरियल का मटेरियल है ना मटेरियल कौन सा है कॉपर है सिल्वर है या नेचर ऑफ द मटेरियल मतलब वेदर इट इज कॉपर और और क्या है ना सिल्वर है ए जी गोल्ड है मटेरियल कौन सा है तो मटेरियल अगर चेंज होगा तो एमिसिव पावर भी उसका चेंज होगा फिर उस नेचर ऑफ सरफेस ऑफ द बॉडी जो मटेरियल लिया आपने उसका नेचर कैसा है वेदर पॉलिश किया है या नहीं किया है उसके ऊपर फिर इसके बाद जैसे ये हो गया एम पावर का जनरल डिफिनेशन ही तो जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहती है जैसे ब्लैक होल इज़ परफेक्टली ब्लैक बॉडी और फेर इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी प्लेटिनम ब्लैक लैम ब्लैक दे आर ट्रीटेड एज परफेक्टली ब्लैक बॉडीज़ तो ये ब्लैक बॉडी यानी क्या है इनकी हम इसके पहले के आर्टिकल हम जो पढ़ चुके हैं तो उसमें हमने क्या देखा कि दैट बॉडी रेडियंट हीट विच इज इंसिडेंट अपॉन इट यानी ये ऐसी बॉडीज है कि इनके ऊपर जो भी आपने हीट फॉल किए वो हीट को क्या कर लीजिए कम्प्लीट हिट को वह बॉडी एब्सॉर्ब कर लेती है बराबर यानी इनका कोई पिशेंट ऑफ एब्सॉर्बेशन क्या है वन है कंप्लीट हीट को वह एब्सॉर्ब कर लेती है ब्लैक बॉडी तो जो बॉडी एब्सॉर्ब करती है वही बॉडी हिट रेडिएट भी करती है यानी गुड एब्सॉर्बर्स आर गुड इमिटर्स गुड एब्सॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो है वो उसको भी हीट रेडिएट करती है तो वो कितना हीट रेडिएट करेगी तो वो और उसका डेफिनेशन क्या होगा तो हम यहां पे देखेंगे तो यहां पे देखेंगे हम एमेसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी पीबीवी का मतलब इसके बाद परफेक्टली ब्लैक बॉडी होगा पूरा लिखना जरूरी नहीं है आप समय अंडरस्टूड है ये तो एमी सी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो उसको भी अगर डिफाइन करना है और उसका जो uh, फार्मूला रहेगा वही रहेगा डेफिनेशन भी वही रहेगा ऊपर के जैसे ही यानी उसका अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ है ना दिखना चाहिए लिखने के बाद तो क्या आएगा इट इज द अमाउंट ऑफ रेडियंट हीट इमिटेड बाय यहाँ पे जस्ट बॉडी लिखा था तो बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी लिखेंगे ठीक है इट इज अमाउंट ऑफ रेडियंट हीट एमिटेड बाय ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट ए गिवन टेम्परेचर स इस कॉलैस एमीसिव पावर ऑफ पी बीबी एट दैट टेम्परेचर तो फिर इस एमिशिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम इसके जैसा ही होगा यानी एमिसिव पावर ऑफ जनरल बॉडी बट फिर ये जनरल बॉडी का एमीसी पावर और यानी ऑर्डनरी बॉडी का एमीसीव पावर और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसीव पावर तो इनमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे तो इसको लिखते समय हम क्या कर देंगे यहाँ पे अगर एमीसी पावर ऑफ पी भी लिखना है तो हम क्या करेंगे ये ई के साथ सफिक्स बी लगा देंगे है ना अगर तो ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा दिस इज एमी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी ई बी बी अगर सफिक्स है तो इसका मतलब ये होगा एम एमिश्यू पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो एम एमसीु पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी उसका फॉर्मुला भी क्या आएगा यही आएगा ई के जैसे ही आएगा e तो यहां पे लिख रहा हूं मैं जयर फोर ई बी यानी कौन सा होगा ई बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एम सी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी दोनों का फॉर्मूला सेम है सिर्फ डेफिनेशन कंसेप्ट में थोड़ा सा फर्क है यानी यहाँ पे जब एमी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेंगे तो हिट कौन एमिट कर रहा है परफेक्टली ब्लैक बॉडी एमिट कर रहा है बस वही लिखना है हमें यहाँ पे डेफिनेशन में अगर ऑर्डनरी बॉडी का एमीसी पावर लेना है तो हिट कौन एमिट कर रहा है वो ऑर्डनरी बॉडी हिट एमिट कर रही है इसलिए उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा दोनों के फॉर्मूले क्या है सेम है ठीक है अब ये जो एमीसी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी है ठीक है और एमीसी पावर ऑफ ऑर्डनरी बॉडी अब हम क्या करते हैं दोनों सेम साइज के एक जगह पे ऑर्डनरी बॉडी लिया है और दूसरा क्या है परफेक्टली ब्लैक बॉडी है दोनों का एरिया सेम है दोनों का साइज भी सेम है बट एक ऑर्डनरी बॉडी है एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है और दोनों का टेम्परेचर दोनों बॉडीज को आपने सेम टेम्परेचर पर मेंटेन किया है तो क्या होता है जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी रहती है वो ज्यादा हीट एमिट करती है सो अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज मोर एट ए गिवन टेम्परेचर दैन द ऑर्डनरी बॉडी इस बात को आपको दिमाग में रखना है क्योंकि गुड ऑब्सॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स ये वो परफेक्टली ब्लैक बॉडी है मतलब वो उसका कोई ऑफ ऑब्सॉर्बेशन ज़्यादा है इसीलिए वो बॉडी भी ज़्यादा हीट क्या करेगी एमिट करेगी तो एट ए गिवन टेम्परेचर एट ए गिवन टेम्परेचर एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज मोर देन द एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डनरी बॉडी बस इस बात को ध्यान में रखना है ठीक है ये जो एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डनरी बॉडी है और एम सी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो इन दोनों का अगर हम रेशो लेते हैं तो जो क्वांटिटी मिलती है अपने को तो जनरल बॉडी उस ब्लैक बॉडी के मुकाबले यानी ऑर्डनरी बॉडी उस कम कम्पेयर टू द ब्लैक बॉडी कितना हीट रेडिएट कर रही है तो उनका जो कम्पेरिजन है दोनों का अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय ऑर्डनरी बॉडी यानी एम पावर ऑफ ऑर्डनरी बॉडी एंड अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय परफेक्टली ब्लैक बॉडी दैट इज एमी पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी इन दोनों का जो कंपेरिजन है उसको कहते हैं कोइफिशंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी तो ये मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे दोनों का एम पावर आपके पास है ई है ई बी तो ये पार्ट मिटा देता हूँ और यहाँ पे हम देखेंगे कोइफिशेंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी तो अभी लेंगे हम एम पावर हो गया ऑर्डनरी बॉडी का और परफेक्टली ब्लैक बॉडी का इन दोनों का जो कंपेरिजन है उसी को कहते हैं कोफिशियंट ऑफ एमिशन क्या कहते हैं उसे कोफिशियंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी और दोनों को किससे डिवेंड करेंगे हम ई e है ना एक ही बात है कोइफिशेंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी ई स्मॉल ई से उनको डिनोट करेंगे तो ये क्या होता है कोई और तो उसका डेफिनेशन में लिख देता हूँ फिर डेफिनेशन लिखने के बाद उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो व्हाट इज दिस कोइफिशेंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी इट इज नथिंग बट द रेशो ऑफ क्या होता है ये इट इज नथिंग बट यानी ये कोइफिशंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी इट इज द रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डनरी बॉडी टू द एमीसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एकदम सिंपल है क्या है इट इज द रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डनरी बॉडी टू द एमिस पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर उस वक्त के उस जो उस वक्त जो टेम्परेचर दिया है उस वक्त तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज द रेशो ऑफ इट इज द रेशो ऑफ Emissive power of ordinary body to the emissive power of perfectly black body. Take it. एट ए गिवन टेम्परेचर उस वक्त जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है तो उस वक्त हमने दो बॉडीज पकड़ी है एक ही टेम्परेचर पे एक ऑर्डिनरी बॉडी और एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो उन दोनों के एमिसिव पावर का जो रेशो है दैट इज कॉल्ड एज कोइिशंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी अब देखिए एमिसिव पावर का रेशो हो गया है तो इसीलिए इसका कोई यूनिट भी नहीं आएगा और डायमेंशन भी नहीं तो यहां पे लिखेंगे नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशन क्योंकि ये रेशो ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज है हो गया क्लियर फिर ये जो कोइफिशेंट ऑफ एमिशन है तो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी का कितना है ऑर्डनरी बॉडी का कितना है तो कोइफिशेंट ऑफ एमिशन तो यहां पर क्या करेंगे हम आ, परफेक्टली ब्लैक बॉडी लेंगे यानी ये जनरल बॉडी के जगह पे अगर हमने ई भी रख दिया एम ईस यू पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो एम सू पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी अपॉन एम सी पावर ऑफ ब्लैक बॉडी तो क्या आएगा रेशो वन हो जाएगा यानी फॉर पी बीबी फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी तो यहाँ पर लिख रहे हैं मैं पॉइंट्स इसके लिख देते तो फॉर पी बीबी बी परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए जो कोई भी शंट ऑफ एमिशन है वो रेशो ऑफ टू सिमिलर थिंग यानी टू क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो यहाँ से क्या पता चला एक बात और परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में परफेक्टली ब्लैक बॉडी जितना एब्सॉर्ब करती है उतना ही एमिट कर रही है इसलिए उसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन क्या है वन है और अपने को पता ही है कि फॉर पीवी वी इक्वल टू क्या होता है यानी कोएफिशिएंट ऑफ उसका क्या है वन है अब जनरल बॉडीज के लिए क्या है जनरल बॉडीज के लिए फॉर ऑर्डनरी बॉडी तो यहां पर लिख रहे फॉर ऑर्डनरी बॉडी अगर बॉडी ऑर्डनरी है तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है तो इट इज ऑलवेज लेस देन वन बट इट इज ग्रेटर देन जीरो हमेशा वो जीरो के ऊपर रहेगा जैसे कॉपर है तो कॉपर के लिए वो पॉइंट थ्री है कोईबिशंट ऑफ इमिशन ऑफ कॉपर इज पॉइंट थ्री और बाकी के लिए बाकी कोई भी अगर ऑर्डनरी बॉडी लेंगे तो उसके लिए इट इज़ लेस देन वन बट इट इज ग्रेटर देन जीरो ठीक है फिर ये जो कॉइबिशन ऑफ इमिशन है क्या ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है क्या यस डेफिनेटली इट वेरीज विद द टेम्परेचर यानी ई वेरीज तो यहाँ पर लिख रहे हैं तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ई e लिख देता हूँ हाँ तो E वेरीज विथ टेम्परेचर बराबर और जो वेवलेंथ रेडिएट कर रही है बॉडी उनके ऊपर भी डिपेंड है यानी E वेरीज विथ तो यहाँ पे लिख रहे E वेरीज विथ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इट वेरीज विथ वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन फिर अगर ये स्मूथ सरफेस लिए और प्ले पॉलिश सरफेस लिए तो उनका कैसा है या रफ सरफेसेस है तो क्या है तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फॉर रफ सरफेसेस अगर सरफेस रफ है तो फॉर रफ सरफेसेस तो ई e ज़्यादा होगा ई इज़ ग्रेटर देन देन पॉलिश और स्मूथ सरफेसेस ठीक है तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव अबाउट द कोइपिशंट ऑफ एमिशन ऑर एमिसिविटी तो वॉट इज क्विपेशन ऑफ एमिशन और एमिसिविटी इट इज द रेशो ऑफ इट इज द रेशो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डनरी बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ परफेक्टली ब्लैक बॉडी और ये उसके ऑब्जेक्टिव हो गए ई फॉर पी बी याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट चुके कोईपिशेंट ऑफ एमिशन फॉर परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज ऑलवेज वन एज इट्स ऑफ कोब्सॉर्प्शन इज वन बट फॉर एनी ऑर्डिनरी बॉडी द वैल्यू ऑफ ई इज लेस दैन वन एंड इट इज ग्रेटर दैन जीरो ओके तो इसके बाद हम देखने वाले हैं किरचॉप लॉ ऑफ हीट रेडिएशन और फिर उसका थियोरटिकल प्रूफ